हेलो एक्सक्यूज मी, ये पता है आपको स्क्रीन पे कौन है? हाँ पता है बउआ भाई, ये ऐश है। बिल्कुल सही, अगर आपको भी ऐश करना है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी बात बताऊंगा कि आपके घर के बाहर महिंद्रा थार और ए क्लास मर्सिडीज खड़ी हो जाएगी। क्या बात कर रहा है? यही कि ए क्लास मर्सिडीज खड़ी हो जाएगी। अरे मतलब सही में? बिल्कुल सही में भाई साहब। क्या लॉटरी वॉटरी लगा रहा है? नहीं, लॉटरी तो गरीब लोग खेलते हैं, अपना तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का। सॉरी, कहने का मतलब है कि आप थार और मर्सिडीज कैसे मिलेगी आपको, वो वीडियो में आगे पता चलेगा। लेकिन सोचो, एक फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, जिसको हिंदी बेल्ट्स में बाहुबली से भी बड़ी ओपनिंग मिलती है, लेकिन अगले ही दिन वो फिल्म अपने लोकल मार्केट में धड़ाम से गिर जाती है। एक सेकंड, तू लाइगर की बात कर रहा है क्या बउए? बिल्कुल, लाइगर में रम्या जी बोलती है लायन और टाइगर की औलाद है मेरा बेटा, क्रॉस ब्रीड। लेकिन पहले दो दिन के कलेक्शन के बाद ये ऐसा लगता है कि ये फिल्म लाइगर नहीं छोटा पप्पी बन गई है, क्या समझे? मेरा दोस्त पिंकू है, टिकट लेकर थिएटर के बाहर खड़ा था। मैंने बोला अंदर क्यों नहीं जाता बे? बोला इसके अर्ली रिव्यूज देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि अपने 250 रुपए बचाऊं या अपनी जान। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। लाइगर विजय देवरकोंडा की ऑफिशियल हिंदी मार्केट में पहली फिल्म थी। पहले ही दिन फिल्म ने अपने प्रीमियर शो से हिंदी में 225 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म को सच में अच्छी ओपनिंग तो मिली, लेकिन अगले ही दिन फिल्म ऐसा भयंकर गिरी जैसे ये। लेकिन इसका हिंदी वर्जन इसके तेलुगु वर्जन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गया है। फिर भी हिंदी के कलेक्शंस उतने अच्छे नहीं है जो ओवरऑल इसके बजट को रिकवर करा दे, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। यहां तक कि कई ट्रेड एक्सपर्ट्स ने वो ये भी कहना शुरू कर दिया कि फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लाइगर ने क्या गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से फिल्म को इतना बड़ा झटका लगा है। कुछ पॉइंटर्स में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हमारे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना। हेलो, दबा दिया, आगे बोलो। वेरी गुड, अच्छा काम किया। पॉइंट नंबर वन, कंटेंट। देखो, फिल्म का चलना या ना चलना सीधे उसके कंटेंट पे ही डिपेंड करता है, पीरियड। अगर स्टार पावर ही फिल्मों को हिट कराने का क्राइटेरिया होती ना, तो आमिर खान और अक्षय कुमार ऐसे डांस कर रहे होते। जी हाँ, एक तरफ जहां अक्षय कुमार ने रक्षाबंधन की फ्लॉप होने की जिम्मेदारी खुद ली, वहीं विजय देवरकोंडा ने यह खुद ही क्लेम कर दिया कि उनकी फिल्म भी 200 करोड़ के ऊपर की कमाई करेगी, वो भी रिलीज से पहले। हेलो, यू आर एनाकोंडा। वहीं कंटेंट के बारे में क्या ही बताऊं, फिल्म कोई भी सेंस नहीं बनाती, जिसकी वजह से उसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव आया है। एक आदमी का सुन के 4 लोगों ने बोला भैया आप नहीं जाएंगे देखने, सहन नहीं होगा हमसे, और फिल्म की हालत ऐसी हो गई। यहां तक कि साउथ में जो पब्लिक मास फिल्में लेकर एंजॉय करती थी, उनको भी मजा नहीं आया। मजा नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर टू है महंगी स्टार कास्ट। विजय देवरकोंडा के बारे में बोला जा रहा है कि शायद उनने पिक्चर के लिए 35 करोड़ रुपए लिए, अनन्या पांडे ने शायद 3, रम्या जी ने 1 और रोनित रॉय ने 1.5 करोड़। सिर्फ इन्हीं 4 लोगों का मिला दे तो 30-40% तो इसी में चला गया। और ये प्रॉब्लम बॉलीवुड में भी है, हर बड़ा सुपरस्टार इतना महंगा आता है कि फिल्म का बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी रिकवरी में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हेलो, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, वो अगर आपने फॉलो कर ली ना, तो आपकी भी एक प्रॉब्लम हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। कौन सी प्रॉब्लम बउआ भाई? यही कि हमारे पास भी एक बढ़िया लग्जूरियस कार हो। क्या समझे? जी हाँ बउआ, सही बोल रहे। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है माई 11 सर्कल ऐप का, उस लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को जल्दी से डाउनलोड करो। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 7:30 बजे शाम को शुरू होने वाला है। उस मैच से पहले अपनी टीम बनाओ माई 11 सर्कल ऐप पे, और अगर आपने मेगा कॉन्टेस्ट जीत लिया तो रोज एक महिंद्रा थार जीतने का मौका मिलेगा। और तो और, लीडर बोर्ड टॉप करने पर आप मर्सिडीज बेंज भी जीत सकते हो, क्या समझे? लग्जूरियस कार सिर्फ आपकी हो सकती है मेरे यार। लेकिन उसके लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर टीम बनाने में मदद चाहिए तो हमारे रणतंत्र वाले वीडियो पे जाइए, टीम बनाकर आपको बताया हमने। बाकी इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी मिल जाएगा, क्या समझे? जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ और वीडियो पे वापस आओ। पॉइंट नंबर 3, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी। अब देखो, किसी भी फिल्म से पहले जब कोई कंट्रोवर्सी होती है ना, तो उसका असर फिल्म पर हमेशा से पड़ता आया है। पीके और दंगल में पॉजिटिव पड़ा था, वहीं पिछले 2 साल से बॉलीवुड के लिए ये उल्टा काम कर रहा है। ऐसे में विजय देवरकोंडा का बॉयकॉट वाले मामले में दिया बयान लोगों को शायद पसंद नहीं आया। यू आर एनाकोंडा। और थिएटर वालों को तो ऐसा बयान सुन के कैसा लगता है? हेलो, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। ऐसी स्टेटमेंट से किसी भी स्टार को बचना चाहिए भैया, वो भी तब जब ताजा 2 फिल्में आपके सामने ही हो जो इसी वजह से पिट गई हो, क्या समझे?
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है भाई। अगला पॉइंट है ग्लोबल एक्सपोजर। मुझे तो लगता है ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि कोविड के टाइम घर में ओटीटी एंजॉय करने वाली पब्लिक ने उन 6 महीनों में इतना सब कुछ देख लिया, वो भी नेक्स्ट लेवल का, कि अब वो उस ग्लोबल स्टैंडर्ड से हमारी फिल्में जज करती है। एग्जांपल के तौर पर फॉरेस्ट गंप की बात कर लो, आज तक पब्लिक ने नहीं देखी थी। पब्लिक को जब मालूम पड़ा कि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा उसी की रीमेक है, तो लोगों ने फटाफट वो निपटा डाली और कंपैरिजन वाला मीटर चालू कर दिया। वहीं जब वो पब्लिक गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मनी हाइस्ट, ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल जैसा कंटेंट देखती है, फिर हमारे यहां का कंटेंट देखती है, तो कंपेयर करना शुरू करती है और अंतर एकदम बड़ा और साफ मालूम पड़ता है कि नहीं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। बाकी अगला पॉइंट है बॉयकॉट कल्चर। अब देखो, कोई ये माने ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं बॉयकॉट कल्चर एक डेंट तो दे ही रहा है। और हम अभी भी ऐसा पूरी तरह तो नहीं मानते कि किसी के कहने या न कहने से लोग फिल्में देखने जाते या नहीं जाते, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि जिस मूवी का बॉयकॉट होता है लगभग हर फिल्म फ्लॉप होती जा रही। ऊपर से इसका रीजन जानने के बजाय जब ये बोल दिया जाता है कि आपको देखने जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ, तो भैया कहानी और गड़बड़ हो जाती है। क्या समझे हीरो हीरोइन लोग? हेलो, यू आर एनाकोंडा। खैर, लाइगर हो या कोई और फिल्म हो, आज उन सारी फिल्मों को शाम के शोज में और झटका लगेगा, क्योंकि थिएटर्स उतने ही खाली होने वाले हैं जितना हमारे पड़ोसी का दिमाग, क्योंकि पड़ोसी के साथ ही हमारा आज का मैच है। बोले तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले दिन मूवी कौन जाता है भैया? तो मैच से आपको भी फायदा हो जाए, इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए माई 11 सर्कल ऐप का लिंक रखा हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करो, इस ऐप को डाउनलोड करो, उस पर अपनी टीम बनाओ, महिंद्रा थार और मर्सिडीज जीतने का मौका पाओ। मजाक नहीं कर रहा हूं। और जैसे ही डाउनलोड करोगे ना वो लिंक पे क्लिक करके, ₹1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी मिल सकता है आपको। क्या समझे? और टीम बनाने में मदद चाहिए तो आरजे डोनक नोपो चैनल पे जाओ, टीम बना के आपके लिए बता दिए। सेम टीम कॉपी करना, लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी आपसे मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ इसी चैनल पर। जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुआ साइनिंग आउट। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद। यू आर एनाकोंडा।